नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे बलेरो मैक्स पिकअप सिटी के टॉप वेरिएंट्स यानी VXI के बारे में। तो सबसे पहले इसमें कलर्स की बात करता हूँ, तो इसमें आपको तीन कलर मिल जाएंगे, गोल्ड, सिल्वर और वाइट। ये मॉडल जो बाकी इसके वेरिएंट्स में क्या कुछ अलग है वो मैं एक बार आपको इस पूरी वीडियो में बताऊँगा, तो लास्ट तक बने रहना। फ्रंट्स में आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा विद ब्लैक ग्रिल के साथ। आपको हेलोजन हेडलैम्प्स मिल जाएंगे टर्न सेफ लाइट और इंडिकेटर के साथ। फ्रंट्स में स्टील का बम्पर मिल जाएगा और आप फोग लैंप का स्पेस मिल जाएगा, आप लगवा सकते हो। फ्रंट्स में आपको टोइंग हुक भी दिया हुआ है। इसके साथ ही अट्रैक्टिव ग्लास मिल जाएगा फ्रंट्स में ड्यूल वाइपर के साथ। स्प्रेसर आपको बोनट भी मिलेगा आपको इसमें, और इसके साथ आपको 3 सीटर के सर्टिफाइड स्टिकर मिल जाएंगे। ये राइट साइड से व्यू रहेगा। इसमें आपको बलेरो मैक्स की बैजिंग, इसके साथ CT 3000 VXI जो इसका नाम है मॉडल का, और डोर्स पे आपको दोनों साइड स्टिकर मिल जाएंगे जो टॉप वेरिएंट्स में ही आते हैं। दोनों साइड आपको लोकेबल डोर मिलेंगे आप जो कि इसी वेरिएंट्स में आते हैं मैक्स पिकअप में। डाले की बात करें तो 8 फीट की इसकी लंबाई रहेगी। फ्यूल टैंक्स इसमें 45 लीटर का रहेगा। टायर साइज की बात करूँ तो आपको 15 इंची टायर साइज मिलेंगे आपको इसमें भी। ये रियर से व्यू रहेगा आपको। डाले पे ही महिंद्रा की बैजिंग, रिफ्लेक्टर टेप मिल जाएगी। टॉप वेरिएंट्स में ही आपको LED टेल लैंप्स मिलेंगे, ड्यूल सेंसर, और आपको नंबर प्लेट की आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा। नीचे आपको स्पेयर व्हील मिल जाएगा। आगे पीछे आपको इसमें पट्टे कमाने मिलेंगे, पीछे करीबन 7 और आगे आपको इसमें 5 पट्टे कमाने मिलेंगे। ये आप डाले को कुछ इस प्रकार खोल सकते हैं। ये आपका लेफ्ट साइड से व्यू रहेगा। सेम लेफ्ट साइड में भी आपको स्टिकर्स और बलेरो मैक्स पिकअप की बैजिंग वगैरह मिल जाएगी। इंटीरियर कुछ ऐसा रहेगा आपको, ड्यूल्स कलर्स में मिलेगा आपको ये। ये डिजिटल क्लस्टर। ये राइट साइड में स्विच से ही आपका जो पार्क रिजनरेशन वाला ऑप्शन है या ट्रिप वाले जो ऑप्शन है वो यहीं से ही होंगे। इसमें इंटीरियर इस तरीके का आता है और कैबिन में स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। इसमें आप यहाँ पे टच स्क्रीन वाला सिस्टम लगवा सकते हैं, मोबाइल भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसके अलावा आपको लोकेबल ग्लो बॉक्स मिलेगा, और यहाँ पे फ्रंट्स में आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा आपको। इसमें आपको हेडरेस्ट भी मिल जाएंगे, स्लाइडिंग विंडो मिल जाएगी आपको रियर में। और सीट काफ़ी चौड़ी है, ड्राइवर आराम से रेस्ट कर सकता है। और 6-way एडजस्टेबल सीट मिल जाएगी, यहाँ से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं सीट्स को। जो हाइट एडजस्टमेंट है वो सिर्फ टॉप वेरिएंट्स में ही आएगा। और सीट के पीछे भी आपको थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाएगा, यहाँ पे आप बोतल वगैरह रख सकते हैं। ये लेफ्ट साइड में आपको लोकेबल डोर मिल जाएगा, यहाँ पे कंडक्टर सीट के नीचे आपको बॉक्स मिल जाएगा। ये कुछ इस प्रकार दिखेगा इंटीरियर लेफ्ट साइड से। यहाँ पे पर्सनल गाड़ी की तरह आप इसको बोनट को ओपन करने का ऑप्शन दिया गया है। इंजन की अगर बात करूँ तो आपको यहाँ पे 2523 cc का इंजन मिलेगा 65 हॉर्स पावर के साथ। वो जो टॉर्क है वो 195 Nm का रहेगा। इसका जो टर्निंग रेडियस है वो 5.5 का रहेगा। इसका सर्विस शेड्यूल भी 20,000 किलोमीटर पे है गाड़ी का।
यहाँ पे DPF दिया गया, डिजिटल पर्टिकुलर फिल्टर वगैरह, इसमें ऐड फ्यूल डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसकी पेलोड कैपेसिटी 1300 किलो रहेगी, इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है 185 mm की रहेगी, और इसका जो व्हील बेस है वो 3150 mm का है। जो माइलेज रहेगी वो 17.2 किलोमीटर पर लीटर रहेगी। इसकी अगर वारंटी की बात करूँ तो 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी रहेगी। टॉप वेरिएंट्स में आपको हाइट एडजस्टमेंट और आपको जो IMX टेक्नोलॉजी है, मोबाइल एप्लीकेशन है, वो आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट्स में ही मिलेगी। और आपको जो LED टेल लैंप्स, इसके अलावा आपको जो हेडरेस्ट हैं वो भी आपको इसी गाड़ी में मिलेंगे। तो बताइए दोस्तों, आपको ये गाड़ी कैसी लगी? ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।